डरा रहे नहीं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को डराते हैं, बड़ा लोग डरा सकते हैं। ये सुबह 9 बजे से रहेगा और रात के 9 बजे तक ओपीडी टाइमिंग्स रहेंगे, और इमरजेंसी तो 24 घंटे कभी भी जो है आ सकते हैं। इसमें और भी डॉक्टर्स साथ रहेंगे, जैसे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सादुल्ला है, और कार्डियोलॉजिस्ट भी जो है वहाँ पर हमारा साथ देंगे। आमतौर से जो रगों की कमजोरी में न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या हाथ पैर के कमजोरी या सुन्नपन होने से, जैसा फालिज का अटैक हो गया जिसको हम फालिज का अटैक कहते हैं, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। चलने फिरने अगर नहीं हुआ, आँखों की नज़र कमज़ोर पड़ गई, या दिमागी एतबार से आदमी या दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो है न्यूरो की ज़रूरत। अब नीचे गिर भी गए तो सर पे एकदम चोट लगने से, बिल्कुल एक्सीडेंट्स के वक्त पे अगर न्यूरो का एक्सीडेंट है जो हेड इंजरी कहलाता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे ट्रीटमेंट का इंतज़ाम है। इमरजेंसी हेड इंजरी के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं, करीब में एक आपके मोहल्ले में दवाखाना जो है आ गया। यूजुअली तो ओल्ड एज में ज़्यादा इम्कान होते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जवान लोगों के अंदर भी अचानक हादसा जो है शुरू हो गए। नहीं, एक तो लाइफस्टाइल डिसीजेस माने जाती है, कोई बीमारी हो तो लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने के जो है अंदाज पे, और अपने जो है रहन सहन के, सोने का सिस्टम अपना आदमी का सही रहना, और फिर टेंशन से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जितना आदमी टेंशन लेता तो वो टेंशन के वजह से ये चीज़ें जो है बाहर आ। ऐसा पहले इलाज हो रहा है जी, जी पहले तो इंजेक्शन का इलाज तो अब तो हर एक को मालूम है कि आते फौरी 4 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर भी अगर आ जाए तो एक इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे वो क्लॉट खुल जा सकता है। अगर दूसरी चीज़ के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी अमेरिका में जो आई है कि वो जैसे हार्ट में स्टेंट करते हैं, इसी तरह दिमाग को भी स्टेंट रख के वो जो चीज़ है वो क्लॉट है फौरी निकाल दिया जा सकता है। 2 तरीके के इलाज मौजूद है, और यूनानी का ट्रीटमेंट भी आज भी वो कायम है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स है, तो उसके अंदर यूनानी का जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ और बहुत लोग उससे जो है उनको जो है इफाफा हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन है, अपन एक इलाज ही करना ऐसा नहीं है, बल्कि इमरजेंसी इलाज ये हो गया उसके बाद अपन यूनानी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले सकते हैं। ये बीमारी है पैदाइशी भी हो सकती है, चंद बीमारियाँ पैदाइशी हो सकती है, और छोटे बच्चों में भी ये पैरालिसिस जो होता है वो ये पैदाइशी बीमारियों से होता है। तो ये उसका इलाज है एक्चुअली पैरालिसिस के अंदर अपन बहुत अलर्ट होना चाहिए कि 4:30-5 आज माइक से बंद कर देना माइक है। वाले वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल है, मैं ऑक्यूपेशन न्यूरो सर्जन। मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल जलील खिरमानी साहब। मेरे को ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैदराबाद बोलकर नहीं, इंडिया और इंटरनेशनली भी बहुत बहुत स्किलफुल और बहुत नॉलेजेबल न्यूरोसर्जन है। आई एम वेरी लकी कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग एक छोटा हॉस्पिटल एक पुल सिटी में डेडिकेटेड न्यूरो हॉस्पिटल प्लान कर रहे थे, तो सर की सुपरविजन में उसके ताल्लुक से हम लोग ये आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जी। चलिए, बहुत दिन से एक फिक्र थी हमारे को कि ओल्ड सिटी में एक न्यूरो हॉस्पिटल क्यों ना हो, और इस न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, छोटा प्रॉब्लम के लिए भी नए शहर को जो है लोगों को जाना पड़ता था। तो बहुत दिनों के बाद फिक्रें हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये नया साल January 1st से जो है एक दवाखाना, एक छोटा एक स्टेप है, 20-25 बेड का जो है न्यूरो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने कायम किया है, जिसको डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल साहब जो है आपकी बहुत कोशिशों से आज वो अंजाम पाया। तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होंगे, इमरजेंसी है या रूटीन प्रॉब्लम्स है, इसके लिए पूरे जो है इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें जो है वहाँ मुहैया की जा रही है, ताकि इलाज जल्दी भी हो सके और खरीब के दवाखाने में अपने पुराने शहर के अंदर जो है ये इलाज हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये January 1st, 2023 से जो है ये दवाखाना वेस्टर्न न्यूरो हॉस्पिटल नाम से शमशेरगंज में KM मुकीद साहब के दवाखाने के बाजू जो है ये शुरू हो रहा है। आप हजरात के लिए जो है हमें तो बहुत खुशी हो रही
कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हम जो है फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए जो है एक चीज़ हम कायम कर सके। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल के न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये अपने करीब में आपके लिए यह दवाखाना मौजूद है। ये क्या फ्री रहेगा सर, ये नहीं कुछ चार्जेस रहेंगे? नहीं, इसमें जो है नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, हम फ्री भी नहीं रखे या मैं कॉरपोरेट चार्जेस नहीं रखे, ये नॉमिनल चार्जेस में मिनिमम जितना सहूलत से मरीज जो है अदा कर सके वो हिसाब से हमने बनाया।